मुजफ्फरपुर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जिला औद्योगिक क्षेत्र के टेक्सटाइल उद्योग का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। उनके साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा सहित केंद्र और राज्य के कई अधिकारी, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SP भानु प्रताप सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर मुजफ्फरपुर को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है, इसलिए आज केंद्र के सारे अधिकारी यहां आए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ राज्य सरकार काम में कदम मिलाकर जब हम आगे की ओर चले तो दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बिहार को विकसित बिहार बनने से रोक सके। बिहार उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय बड़ी भूमिका है बिहार जैसे राज्य को बढ़ने में, क्योंकि रोजगार कृषि के बाद सबसे सर्वाधिक वस्त्र जुड़ा हुआ ही उपलब्ध लोगों को होता है। आज हम लोग पटना में उच्च स्तरीय बैठक की, इसमें बिहार सरकार के उद्योग पदाधिकारी के भारत सरकार के उद्योग पदाधिकारी शामिल हुए। हम लोग जो चार है बिहार की मांग, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आश्वस्त किया है, एक कार्य योजना बनाकर भेजेंगे, उसे स्वीकृत करेंगे। कमेंट, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार आगे फोन आप लोग पीछे करिए ना भाई, फोन आप लोग दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, उसी लिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, NDA के सांसदों को मंत्री बनाया है, और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। MSME के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड्री फिशरी के मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं चिराग जी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं। इस तरह से देखने के बाद आप जब देखेंगे तो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, तो ये सारे मिनिस्टर मिलके अपने अपने विभाग का एक रोड मैप बनाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के एक विकसित बिहार की रूपरेखा। सरकारी योजना सर, वस्त्र मंत्रालय को यहाँ डेवलप करने के लिए बिहार में कैसा है? पहले होता था सर, आपका एक शॉप वगैरह भी होता था जिला में जहाँ पर सरकारी विभागों में सप्लाई होता था कपड़ा, वो चीजें बंद हो गई। अब चलिए नए तरह से सब चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को सर मैनचेस्टर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये सब के लिए नए हैं। मैनचेस्टर तो गया जहन्नुम में, तो अंग्रेज के साथ चला गया। अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश। मुजफ्फरपुर में एक क्लस्टर बंद की गई है बियाडा की वजह से। हेलो मुजफ्फरपुर, मैं अनुष्का। तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम, जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाएं अपने घर के दरों दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर पैक पे आप आईफोन, कार, AC तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड, ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर, मुजफ्फरपुर।
को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।